Everyone, greetings of the day. Today we are going to discuss paragraph writing. In this phase we will know how to write paragraph with the help of visual pictures in your examination. आपकी परीक्षा में आपको कुछ चित्र दिए जाएंगे, उन चित्रों को देख करके आपको ये बताना है कि एक पैराग्राफ आपको कैसे लिखना है। ये पैराग्राफ 150 से 200 वर्ड्स के बीच में, यानी 150 to 200 वर्ड्स के बीच में आपको लिखा जाना है। तो एक एक पिक्चर की हम स्टडी करेंगे और उसके अनुसार हम ये पैराग्राफ बनाएंगे। तो आइए हम चलते हैं कि सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा। इसमें आएगा, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट सेंटेंसेज बेस्ड ऑन इट। पिक्चर को ध्यान से देखिए और इस पर जो वाक्य बनते हैं उनको लिखिए। सिंपल सेंटेंस बना करके आप इस चीज को कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक पिक्चर है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ टू प्रिपेयर टी। यहां पर आपको कुछ गोले में कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ लिखा हुआ मिला है, इंस्ट्रक्शन है। उन इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप यह पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे लाइट द स्टोव, पुट द पैन ऑन द स्टोव, पोर मिल्क एंड वाटर, एड टी एंड शुगर, बॉइल फॉर सम टाइम, फिल्टर एंड सर्व। इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर वी विल ट्राई टू राइट द पैराग्राफ। तो हमने इनके हिसाब से जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक बार आप उसको देखें। ये पैराग्राफ कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो इस पैराग्राफ में हमें सबसे पहले अपना टाइटल देना है, हाउ आई प्रिपेयर्ड टी। टाइटल देने के बाद में हम उसी पेज में एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो मैं आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के सुनाता हूं। लास्ट संडे सम गेस्ट केम टू माई होम। My mother was not at home. They were the friends of my father. My father asked me to prepare tea for them. I went into kitchen. यहां तक तो अपन ने अपने हिसाब से लिखा है। अब अपन पिक्चर की हेल्प ले रहे हैं। I lit the stove. फिर लिखा है, I put pan on the stove. I poured milk and water in the pan. I added tea and sugar. I then added some ginger to it. I let that boil for some time. After some time, I filtered tea into cups. यहां तक अपन ने पिक्चर्स की हेल्प से लिखा है। अब अपन एक दो शब्द अपनी तरफ से लिख रहे हैं, एक दो सेंटेंसेस। आई डेकोरेटेड ट्रे। आई टुक सम बिस्किट्स एंड नमकीन। आई सर्व्ड टी टू द गेस्ट। इसके बाद में हम इसका एंड करेंगे। द टी वॉज टेस्टी। दे ऑल लाइक्ड इट। दे थैंक्ड मी फॉर दिस। आई वॉज हैप्पी। I can now prepare tea. इस तरीके से हम एक ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो पिक्चर्स को देख करके हमें अपना पैराग्राफ इस तरीके से लिखना है। आपको निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम कुछ और पैराग्राफ्स आपके सामने इसी तरीके से रखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।